जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी पी चैनल पर दोस्तों आज 24 फरवरी है लक्ष्य डेट याद रखिएगा बारह जून ठीक है डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरू करते हैं इस वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको इसमें कवर किया जाता है आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है तो इनको आप देखिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले देखिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ये एक सप्ताह का ये स्मरणोत्सव है ठीक है 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डी दोस्त जिसको बोलते हैं उसके द्वारा ये चला जा रहा है पूरे भारत वर्ष में पूरे भारत देश में पचहत्तर स्थानों पर ये शुरू किया जाएगा ठीक है तो इसमें क्या है ये आज़ादी के पचहत्तर वर्षगांठ जो हम लोग ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ये तो उसी के उपलक्ष्य में ये भी है ये तो याद रखना ये विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ये किसका चलाया हुआ है ये कार्यक्रम तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्लस जैव प्रौद्योगिकी विभाग दोनों मिलकर के चलिए आगे बढ़ते हैं दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स मैंने दो का नाम पहले बताया था ठीक है जो एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेसेस जो भी है एक्टर और एक्ट्रेसेस का नाम बताया था इसमें अन्य लोगों का दिया हुआ अन्य जो पुरस्कार दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है कि पूछे जा सकते हैं तो उसमें पहला है जो है ये फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है पुष्पा द राइज़ आपने देखा होगा ये मूवी ठीक है और ये आ, बेस्ट फिल्म अवार्ड का भी पुरस्कार दिया गया है शेरशाह मूवी को बहुत अच्छी मूवी है ये देखिए आप अगर समय मिलेगा तो निकाल के टाइम निकाल के देखिएगा इसको ठीक है तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड ये सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया है इसी मूवी के लिए दिया गया है इनको शेरशाह में बहुत अच्छी एक्टिंग किया है बहुत सारी चीज़ें नई जानकारी मिलती हैं ठीक है जो इस तरीके की मूवीज़ होती हैं ना उनको ज़रूर देखिए अलतू फालतू तो मूवीज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन जो किसी की जीवनी पर आधारित है जो किसी क्रिकेटर uh, की किसी ही uh, मतलब जो अनसंग uh, हीरोज़ हैं जो भी उनकी अगर जीवनी पर आधारित है तो वो मूवीज़ देखने से क्या है कि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी ठीक है और ये आलतू फालतू प्यार मोहब्बत की ये मूवीज़ देख के इतना कोई उससे आपको खास फ़ायदा नहीं होगा आपका समय ख़राब होगा ठीक है ठीक है चलिए वो अपना इंटरेस्ट है जिसको जो देखना है वो देखता ही है तो चलिए देखिए नेक्स्ट इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है ये अनदर राउंड करके है एक मूवी उसको मिला है तो ये याद रखिएगा ये ठीक है किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला हुआ किसान मोबाइल ऐप ये आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है किसान मोबाइल ऐप ये किसानों के लिए बेसिकली ठीक है तोरग्या महोत्सव ये तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये तवांग मठ में ठीक है मोन मोनपा समुदाय द्वारा ये मनाया गया है तोरग्या महोत्सव याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश ठीक चंद्रभान ख्याल को उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है तो ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये उन्नीस में इसकी शुरुआत हुई थी ठीक है और ये संविधान में उल्लिखित बाईस भाषाएँ जो हैं उनके उनको उन भाषाओं में जो अच्छी जो वो होते हैं रचनाएं होती हैं उनको दिया जाता है ठीक है तो आप एक प्रश्न बताइएगा आज का कि ये इन जो 22 भाषाएं हैं ये किस जगह पर ये इनका वर्णन किया गया है किस जगह पर इनका उल्लेख मिलता है संविधान में ठीक है तो ये प्रश्न आप कमेंट कीजिएगा ठीक रूसी राष्ट्रपति ने अलगाववादी पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र को मान्यता दे दी है तो जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से यूक्रेन और रसिया में ये तनाव चल रहा है बहुत ज़बरदस्त मतलब माहौल बना हुआ है तो उसमें जो पूर्वी यूक्रेन है वहाँ पर दो ऐसे क्षेत्र थे जो लुहान्स और ये डोनेट्स इसको वहाँ पे क्या है अलगाववादी समूह था तो उसको रूस ने क्या किया उसको अलग देश की मान्यता ही दे दी ठीक है वो तो लेकिन यूक्रेन ने इसका विरोध किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग विरोध कर रहे हैं इस रूस रसिया के जो इस कदम को गलत बता रहे हैं लोग ठीक है अब इसमें मेन है कि भारत किस तरह से इसको क्रिटिसाइज़ करता है या कैसे करता है क्योंकि भारत किसी भी पक्ष में नहीं रहता है किसी भी पक्ष का मतलब यह है कि जैसे एक गुट अमेरिका का हो गया क्योंकि यूक्रेन और ये सब यूक्रेन जो है ये यूएसए समर्थित है ठीक है तो उसमें आप इसको ध्यान रखिएगा ठीक तो चलिए ये दो जगहों के नाम ये स्टेट जो वहाँ पे बने हैं नया देश बना दिया है तो उसको ध्यान रखिएगा शिल्प महोत्सव कोल सेंस करके है ये ये किसके द्वारा किया गया है ये एक कार्यक्रम है तेईस से पच्चीस फरवरी के बीच में नई दिल्ली में आयोजित होगा ये भारतीय संस्कृति संबंध परिषद आई द्वारा ये भी वही आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है तो शिल्प महोत्सव पूछ सकता है कि शिल्प महोत्सव कहाँ मनाया गया तो नई दिल्ली में याद रखिएगा ईस्टर्न ब्रिज सिक्स करके है ये तो ईस्टर्न ब्रिज ये ऐसे पूछ लेगा कि ईस्टर्न ब्रिज किन देशों के सेनाओं के बीच अभ्यास हुआ था तो ये वायुसेना का अभ्यास है एयरफोर्स का अभ्यास है तो अपनी इंडियन एयरफोर्स और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ये मिलकर ये जोधपुर में ये एक्सरसाइज हुई थी ये ये युद्धाभ्यास हुआ था तो ध्यान रखिएगा ये ठीक है ईस्टर्न ब्रिज किसके किसके बीच ओमान और भारत के बीच में तो ये महत्वपूर्ण है ठीक है तो इसकी ओमान की राजधानी मस्कट और मुद्रा इसकी ओमानी रियाल याद रखिएगा मस्कट एन मान्यता प्राप्त भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है तो एन क्या है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन एकडिटेशन ठीक है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है ये पहला विश्वविद्यालय बना है जिसके पास ये मान्यता मिली है इसको ठीक है तो याद रखिएगा जहाँ पे पहला शब्द आ जाए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा याद रखिएगा इसको एन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ठीक तो ये एन और एन ए प्लस करके एक ये भी सर्टिफिकेशन ही है तो ये दोनों जो प्राप्त करने वाला ये मात्र एक एक ही वो है यूनिवर्सिटी है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा इसको ठीक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये नीरज चोपड़ा की जीवनी है तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है ये इन्होंने नीरज चोपड़ा ने ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में तो ये नवदीप सिंह गिल ने इसको लिखा है तो महत्वपूर्ण है कई पूछ सकता है कि गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा किस लेखक कौन है ठीक तो आप बताइए कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है या घोषणा की गई है कि कब मनाया जाएगा तो दो प्रश्न हैं आप दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है कमेंट कीजिएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखिएगा आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए बिंदास रहिए जय हिंद